नज़ारा अपने आप एक साक्षी है और बदलाव ज़रूर आएगा इस कांग्रेस के साथ ही इस देश को भी एक नई जिंदगी मिलेगी ये हमें पूरा पूरा विश्वास है। जो राहुल गांधी जी के साथ क्यों मैं अच्छा इंदिरा जी के साथ हाँ, आप मैं छोड़ नहीं सकती कांग्रेस पार्टी अच्छा कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगी अच्छा सिलेंडर नहीं है तो राशन क्या धूप में सिखाएंगे और बदलाव जरूर आएगा इस कांग्रेस के साथ ही इस देश को भी एक नई जिंदगी मिलेगी ये हमें पूरा पूरा विश्वास है। जो बीजेपी तो जाएगी आप जाएगी कैसे कैसे चली जाएगी चली जाएगी वो क्या राहुल जी को तो वोट अच्छा हमें क्योंकि इंदिरा जी की फोटोकॉपी वो लगती है प्रियंका गांधी जी प्रियंका गांधी इंदिरा जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फोटोकॉपी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। नमस्कार बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप मैं विकास सिंह बहुत इस वक्त हम लोग सुसनेर में मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से पदयात्रा शुरू करेंगे और आज हम शायद राजस्थान में एंटर कर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग 4 घंटे से लमसम राहुल का वेट कर रहे हैं कि वो आए उनकी एक झलक देखने को। लोग यहाँ पर महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम नीचे भी चलेंगे कोशिश करेंगे बात करने की लोगों से क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता एक तरीके से कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और बहुत देर से उनका वेट किया जा रहा है सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं महिलाएं हैं बच्चे हैं और आज हम लोग यात्रा का मतलब आरंभ कर रहे हैं यहां से और आज हम पहुंच जाएंगे राजस्थान की साइड पहुंच जाएंगे। राहुल जी के साथ ही चल रहे हैं क्या? हाँ जी मैं राहुल जी के साथ हाँ टीम में काम कर रहा हूँ। अच्छा 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 कैसा लग रहा है राहुल जी का? देखिए ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता को जनता द्वारा इतना प्रेम और स्नेह मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का कारवा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है ये हमारी सौभाग्य की बात है कि लगातार जनप्रेम और जन समर्थन हमें मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख सक रहे हैं ये लाखों की भीड़ है। बिल्कुल बिल्कुल और ये कारवा बढ़ रहा है बढ़ता ही जा रहा है। अब नीचे चलते हैं हम नीचे लोगों से कुछ बात करेंगे कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की। भैया थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा आ जाइए आ जाइए आ जाइए और लोगों से बात करेंगे कि क्या लोग सोच रहे हैं राहुल जी के क्यों लोग आते हैं उनको सुनने के लिए। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से ठीक है। कहाँ से आए हो भाई? भैया हम यहीं के हैं। यहीं के हो राहुल जी को देखने आए हो? हाँ। किस लिए? बस ऐसे ही पसंद है राहुल जी। हाँ। वोट किसे देते हो? बताओ ना वोट किसे देते हो? ये देंगे राहुल गांधी को ही। राहुल गांधी को? हाँ। क्या मतलब अच्छा लग रहा है राहुल गांधी में आपको? सब माहौल बढ़िया है। अच्छा हाँ सभी उनको ही वोट देंगे। अच्छा अच्छा तो मोदी जी पसंद नहीं है क्या? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। वो भी है क्या पता भगवान के हिसाब से वो आए इस साल। अच्छा अच्छा यहाँ पे आगे चलते हैं बहुत यहाँ से राहुल गांधी यहाँ इसी रोड से आएंगे और इस रोड से आप देख सकते हैं कि आगे की साइड जाएंगे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आंटी सी हैं। कैसे क्या नाम है आपका? श्रीमती उषा देवी शर्मा। कितने दिन से राहुल जी के साथ चल रहे हैं? ना हम लोग उज्जैन से चल रहे हैं। उज्जैन से चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या माहौल बदल पाएगा इस बार? माहौल बदलेगा बदलेगा एक नंबर सरकार बनेगी। अच्छा प्रधानमंत्री जी बनेंगे और मुख्यमंत्री जी अपना बनेगा। अच्छा बिल्कुल बनेगा। कैसे विश्वास है आपको इतना? विश्वास क्यों जनता का दिल जीत लिया हमने। जनता का दिल जीत लिया बिल्कुल। अच्छा मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार कर जाएंगे इस बार। वो कर ही नहीं सकते। मोदी जी आ रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिनों में आएंगे तो क्या कर पाएंगे? उन्हीं की महंगाई देखो। अच्छा बेरोजगारी देखो क्या 1 रुपए किलो से गेहूँ दे दिए चावल दे दिए क्या उसमें तेल नहीं चाहिए गैस टंकी नहीं राशन भी तो दे रहे हैं ना फ्री में। तो दे रहा तो क्या हुआ उसमें फ्री में मतलब गेहूँ चावल की से क्या टंकी कितनी महंगी है यही टंकी बेरोजगारी कितनी फैल गई है। अच्छा। महंगाई वाला कितना है पेट्रोल डीजल देखो मोटरसाइकिल कितनी महंगी है हर चीज तो महंगी कर दी। युवा बच्चा कहाँ जाएगा? युवा बच्चा खाने से मोहताज हो रही है। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे क्या क्या मजदूरी करने जाएंगे? मजदूरी कर दी इन लोगों ने। तो आपको इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी सड़कों पे आने की? राहुल जी को आप क्यों इतना समर्थन कर रहे हैं? मैं शुरू से हूँ। अच्छा शुरू से राहुल जी गांधी जी के साथ क्यों मैं? अच्छा इंदिरा जी के साथ हाँ? हैं आप? मैं छोड़ नहीं सकती कांग्रेस पार्टी। अच्छा कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगी। अच्छा मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। इतना प्यार है आपको? हाँ बिल्कुल इतना प्यार है। अभी तो वो पावर में ज्यादा ही प्रियंका गांधी भी आगे आई और वो भी प्रधानमंत्री बने। अच्छा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहिए? हाँ उनको और राहुल दोनों में से कोई बन सके कोई भी बन जाए कांग्रेस कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा अच्छा हमें क्योंकि इंदिरा जी की फोटोकॉपी वो लगती है प्रियंका गांधी जी प्रियंका गांधी इंदिरा जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फोटोकॉपी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो शिवराज जी सही काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा। केवल मामा भांजा मना के वो जीत जाते हैं। अच्छा। और कुछ भी नहीं है। अच्छा मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है काम तो नहीं नहीं काम करके दिखाती है। जब तो 60 हमने इतने सालों तक राज किया ये तो 2.5 साल की सरकार थी। पहले 2.5 साल में गिरी फिर 1.25 साल में हमने गिराई। हम बहुत पुराने हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? दिनेश गुजर। कहाँ से आए हैं? पढ़ाना
पठाना जिला राजगढ़ देसी सारंगपुर से। अच्छा किसको सुन रहे? राहुल को सुनने आए? राहुल जी को। अच्छा हाँ। क्या लग रहा है कि राहुल जी माहौल बदल बिल्कुल बदल दिए, सरकार बनेगी 2024 में। अच्छा भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर हो रहा है आपके गाँव वगैरह? आप तो घूमते हैं यहाँ पर। हो रहा ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा बहुत ज्यादा दिख रहा है? ज्यादा बदल जाएगा, बदल जाएगा, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत बहुत राहुल गांधी को देख के बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा चलिए आगे चलते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उधर देखिए बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, जनता मतलब कि बहुत ज़्यादा है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि और भी लोगों से बात की जाए। कांग्रेस के झंडे ले रखे हैं लोगों ने, महिलाएँ आ रही हैं और सभी लोग, मतलब कि लाखों की भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी लोग। हेलो मैम, कैसे हैं आप? गुड। आज बात कर सकते हैं 2 मिनट? मैम आप कब से इस यात्रा में हैं? हम जयपुर से हैं। अच्छा। और क्या आज नाम? डॉक्टर शिखा मील। ओके। और हम राजस्थान में घुसने से पहले एक स्वागत के जेस्चर के हिसाब से ये यात्रा आज ज्वाइन कर रहे हैं। पहले हमने कन्याकुमारी में ज्वाइन किया था। अच्छा, पहले कन्याकुमारी में एक बार कन्याकुमारी, अब यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो राजस्थान में घुसने वाले हैं हम लोग। अब राजस्थान। तो मैम कैसा बदलाव लग रहा है आपको, क्या बदलाव हो रहा है? आप चारों तरफ देख सकते हैं, बदलाव देख रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नज़ारा अपने आप एक साक्षी है और बदलाव जरूर आएगा इस कांग्रेस के साथ ही इस देश को भी एक नई जिंदगी मिलेगी, ये हमें पूरा पूरा विश्वास है। जो देश बिक रहा था वो फिर से जिंदा होगा। मैम मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बना दिया, हमने डेवलप कर दिया, डिजिटल बना दिया इंडिया को, और आप कह रहे हैं कि नई मतलब नया जीवन। आपको विश्व गुरु होने के लिए सिर्फ ये नहीं कि कुरीतियों के साथ में चलें, सिर्फ धर्म के बेसिस पे चलें, आप हर धर्म को हर जात को साथ लेकर और वैज्ञानिक तौर पर अगर चलेंगे तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। तो सबका साथ सबका विकास है तो सही मैम, नारा भी है उनका मैम। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल है। आपको जिस सिलेंडर के 450 रुपये देने पड़ रहे थे उस सिलेंडर के आज 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो जब रोटी नहीं मिलेगी तो विकास कहाँ है? रोटी कपड़ा और मकान बेसिक चीजें हैं, अगर वही नहीं मिल रही हैं हमें तो विकास भी दे रहे हैं मैम, मकान भी दे रहे हैं, वो राशन भी दे रहे हैं मैम। मकान कितने लोगों को मिल रहा है? और राशन, राशन आप मीडिया बहुत कुछ कवर करता है, बहुत सी असली चीजों पे भी जाएं और खुद जाके देखें लोगों को किस क्वालिटी का राशन मिल रहा है और कितना मिल रहा है और वो किस हिसाब से उसको उपयोग कर पा रहे हैं। सिलेंडर नहीं है तो राशन क्या धूप में सिखाएंगे? सही बात। तो मतलब कि मोदी जी ने ये भी कहा कि इस बार 400 पार हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी को देखना है, उनका दादी ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके पिताजी ने बलिदान दिया, उसी यात्रा को भारत को जिंदा करने के लिए वो पैदल निकले हैं। अच्छा, भारत को जिंदा करने के लिए? और नहीं तो क्या, नहीं तो कहाँ पहुँचा दिया? बड़े बड़े लोगों से मोदी जी मिले हैं, उनकी सुनते हैं, गरीब लोगों की तो सुनते नहीं है कोई। मोदी जी गरीब लोगों की नहीं सुन रहा है साहब? अच्छा अच्छा, देखिए झंडा लेकर के आए, क्या नाम है भाई आप? इमरान। इमरान, किसे वोट करते हैं? राहुल जी को। राहुल जी को करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छा व्यक्ति है वो। अच्छे व्यक्ति है, क्या नाम है भाई आप? सफीकुल्ला। कहाँ से आए हैं? नलखेड़ा। नलखेड़ा से। अच्छा राहुल जी को देखने के लिए आए? राहुल गांधी एक नंबर आज हमारे लिए। अच्छा, बीजेपी तो पप्पू बोलती है? बीजेपी तो जाएगी, आप जाएगी? कैसे कैसे चली जाएगी? चली जाएगी वो क्या? राहुल जी को तो वोट। अच्छा, कहीं वोट के समय बदल तो नहीं जाएगा? निकला आदमी हूँ मैं तो, कांग्रेस का आदमी हूँ। अच्छा हाँ, वो कांग्रेस को वोट देता हूँ मैं तो, विकलांग आदमी हूँ ना। हाँ हाँ, ये और आगे दिखा देते हैं आपको, भीड़ दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये लाखों का जन सैलाब है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं और ये भीड़ लमसम पिछले 4 घंटे से यहाँ पर वेट कर रही है राहुल गांधी का कि वो आए और एक झलक कम से कम है देखने को मिल जाए। तो लगातार देख रखे हैं कि अब हम राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं अब यात्रा, और आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपके जो भी सवाल हैं आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइए। धन्यवाद।